नमस्कार मित्रों, मैं भीमराव लुनारे आईबीएम टीवी 9 न्यूज और डब्ल्यूएच न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस दोनों चैनल के माध्यम से हम एक खास बातचीत ये कार्यक्रम चलाते हैं और यहां पे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो है एक विशेष व्यक्तिमत्व हमारे साथ में होते हैं। आज हमारे इस स्टूडियो में मैं बताना चाहूँगा, पिछले 21 साल से जो पत्रकारिता क्षेत्र में हैं और नेशनल से लेके तो रीजनल से लेके तो लोकल लेवल तक के जिन्होंने एक संपादक करके एक सीनियर रिपोर्टर करके जिन्होंने काम किया है, ऐसे शख्स आज हमारे साथ में हैं। वो है, उनका नाम है, उनके एक विचार है, एक विश्लेषक भी है, एक अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी है। वो ऐसे शख्स आज हमारे साथ में है, संजय मीरे जी। उन्हें कौन नहीं जानता, नागपुर शहर में ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में संजय मीरे जी को कौन नहीं जानता, एक राजकीय विश्लेषक और संपादक के तौर पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दोनों चैनल में। सॉरी, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ लोनारे साहब। आप सुनिए, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। देश में लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज गया है और फीवर चढ़ा हुआ है लोकसभा का। क्या लगता, देश में जो अभी फिलहाल जो माहौल है, किसका माहौल है? सबसे पहले तो मैं आईबीएम टीवी चैनल और डब्ल्यूएचए चैनल का सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज आपने मुझे इस लोकसभा चुनाव के विश्लेषण के लिए खासतौर पर मुझे निमंत्रित किया आपके स्टूडियो में। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। और लोनारे जी, जैसे कि आपने कहा कि किस का माहौल है, तो मैं ये चाहूँगा कि माहौल इस समय में सिर्फ और सिर्फ मतदाता का है। मतदाताओं का इसलिए माहौल है क्योंकि मतदाता ये तय करेंगे कि राजनीति में ऊँट किस करवट में बैठाना है, ये मतदाता तय करते हैं। इसलिए मतदाताओं का माहौल है। मतदाताओं के बाद में जो अलग अलग पार्टियां हैं, चाहे फिर नेशनल जो पार्टियां हैं अलग अलग है, उनके जो उम्मीदवार खड़े बाद में उनका माहौल है। क्योंकि मतदाता यदि मतदान नहीं करेंगे या उनके लिए आगे नहीं आएंगे तो उनका भी माहौल अगले वाले का यानी नेताओं का हो नहीं सकता जो उम्मीदवार नागपुर शहर में खड़े हैं। इसलिए मतदाताओं का ही माहौल है। मतदाता जो दिशा तय करेंगे उसी दिशा में उनका नागपुर को एक नया जानदार शानदार उम्मीदवार मिलने के आसार है। आपने कहा कि मतदाता का ही माहौल है, लेकिन मतदाता के मन में क्या है, उनके मन की बात को आप किस तरह से बताना चाहते? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया भीमराव जी के। जैसे कि लोगों के मन में क्या है, खासतौर पर मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, तो मतदाताओं के मन में एक दुविधा का विचार चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से यदि मैं खुल के बात करना चाहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी साहब है, जो नागपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कामकाज को देखते हुए एक तरफ लोगों का जो रुझान है उनकी ओर बढ़ा हुआ है। क्योंकि जैसे कि फ्लाई हो रहे, सीमेंट के सड़कें हैं या बड़े बड़े मेट्रो है और कई ऐसे आईटी सेक्टर है और मिहान से लेके तमाम ऐसी बातें हैं जिन्होंने विकास किया है, ऐसा लोगों का मानना है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके द्वारा किए गए विकास को विकास न समझते हुए पूरे देश को कर्ज बाजारी किया है, के खाई में डाल दिया है और लोग उनका जो भविष्य, उनके जो बच्चे, उनके जो नाती पोती या आने वाले जो जनरेशन जो होंगे, यकीनन वे लोग हजारों रुपए के कर्जे के बोझ तले रहेंगे, ऐसा इन लोगों का विचार है। जब हमने कई लोगों से बात किया, करते रहते रिपोर्टिंग के समय में, तो दोनों टाइप के लोग दिखाई दे, एक नितिन गडकरी को फेवर करते हुए दिखाई दे तो दूसरे उनको अपोज करते हुए भी दिखाई दे। तो वही महाविकास आघाड़ी के राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार विकास ठाकरे जो है, इनके बारे में भी वही रुख है। लोग कहते कि कांग्रेस तो अब तक की दिखाई नहीं दी, कांग्रेस तो इस प्रकार का डेवलपमेंट किया नहीं है, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कामकाज जो चलाए जा रहे विकास के नाम पे, ये सब उन्हीं के है, इनकी सत्ता है, इसलिए ये लोग चला रहे हैं, कांग्रेस की है।
कांग्रेस की है, जैसे मियां ने उन्हीं के कार्यकाल में वो मेट्रो वगैरह लाए, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं के कार्यकाल का है, लेकिन उनकी सत्ता जाने के बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता आई, तो उनके सत्ता ही तो यकीन अधिकार भी उन्हीं है, लेकिन एक बात है कि उन्होंने अपने अधिकार का सदुपयोग किया और कामकाज किया, इसलिए लोगों के दिल में आज के तो भी तारीख में नितिन गडकरी का नाम चल रहा है, लेकिन विकास ठाकरे को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस के भी अपने कैडर होते हैं। खास बात है कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने समर्थन दिया है, महाविकास आघाड़ी बोली तो शरद पवार, राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस एक ये हो चुके हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी भले ही वे महाविकास आघाड़ी में नहीं, लेकिन खुले तौर पर उन्होंने समर्थन दिया है, सपोर्ट किया है, RPI है, उसके बाद में कांग्रेस है, शिवसेना है, शिवसेना बोले तो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना है, आम आदमी पार्टी भी है, बिल्कुल 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 लोणारे साहब, आम आदमी पार्टी का भी काफी अच्छा जनाधार है, भले वे महाराष्ट्र में कोई दिखाई नहीं देता हो, लेकिन आज भी इतनी बड़ी पकड़ इस राज्य में है आम आदमी पार्टी को, उसको भी नकारा नहीं जा सकता, चार चार पांच पांच स्टेट उनके मुख्यमंत्री, उनको कम नहीं आंका जा सकता, और ये तमाम लोगों की जो ताकत है ये पूरी तरह से विकास ठाकरे के पीछे में दमखम के साथ पूरी तरह से खड़ा है, इसलिए ये जो चुनाव होने वाला है ये बड़ा ही एक माहौल होने वाला है, रोचक होने वाला है, बहुत काफी टक्कर, बिल्कुल काफी टक्कर होने वाली है, इस टक्कर में न जाने किसी की जमानत जब्त हो सकती है या कोई लाखों की तादाद में आ सकते हैं। हाँ, लेकिन लोनर साहब मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे पार्टी के नेता और उनकी पार्टियां ये बातें करती है कि 5 लाख से आएंगे, 7 लाख से आएंगे, 10 लाख से आएंगे, 3 लाख से आएंगे, लेकिन आएंगे तो हमारा उम्मीदवार, ये ऐसा भी कहना है, साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, नितिन गडकरी साहब के बारे में लोगों का यही है कि गडकरी साहब 5 लाख से भी ज्यादा वोटों में आएंगे, ये जो ताकत है, ये जो शक्ति है, विश्वास है उन्हें कि हम आ सकते हैं, क्योंकि आप अभी जो लोग कह रहे हैं और नितिन गडकरी जी के जो चाहने वाले वो भी कह रहे हैं कि नितिन गडकरी नागपुर से, यानी इस बार हैट्रिक तो होना ही है बोलते, लेकिन 5 लाख वोटों से चुन के आएंगे, ऐसे लोग उनके लोगों का कहना है जो चाहने वाले हैं। जब 5 लाख वोटों से उनको चुन के आना है तो फिर गली, नागपुर शहर के गली गली में प्रचार करने की क्या जरूरत है? यह तो काफी अच्छा सवाल है आपका। अगर आपके पीछे पूरा जनाधार है और आप इतने कॉन्फिडेंट हो, पूरे आत्मविश्वास के साथ जो कह रहे हो, जैसे मोदी सरकार कह रही है कि 400 पार, तो नागपुर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार नितिन गडकरी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वे 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से आएंगे, तो ये जो आत्मविश्वास है शायद उनके काम के प्रति हो सकता है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विकास ठाकरे 5 लाख से नहीं, मात्र 5 वोटों से जीतेंगे, लेकिन जीत विकास ठाकरे की भी होगी, तो इस तरह की ये बात चर्चाओं का बाजार शहर में गर्म है। आपने आपने कहा कि विकास ठाकरे 5 लाख से तो नहीं, 5 वोटों से भी जीता, जो जीता वो सिकंदर, लेकिन आप एक राजकीय विश्लेषक भी बहुत अच्छे हो, ये जो आंकड़ों का खेल है किस प्रकार से आपने ये आंकड़े बताए? देखिए ये जो आंकड़े हैं, क्योंकि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं नितिन गडकरी साहब, उनके उनके साथ काम करने के लिए सभी मजहब, सभी जाति धर्म पंथ के लोग बड़े पैमाने पे जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे बहुत ज़्यादा लोग उनके साथ में हैं, लेकिन ये भी नहीं नकारा जा सकता कि विकास ठाकरे के साथ नहीं, क्योंकि देखिए अब सिख समाज नागपुर में तकरीबन 50,000 की आबादी सिख समाज की है, और उस दिन श्री कलगीधर गुरुद्वारा दरबार जो कि बुद्धनगर कामटी के आसपास आता है, वहां पे उस समय में मैं मौजूद था, तमाम सिख भाइयों ने विकास ठाकरे जी को फुल समर्थन दे दिया, क्योंकि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी कोई किसी बात को लेकर नाराजगी होगी और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तवज्जो नहीं दिया, यानी सिख समाज को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है, अलग थलग रखा गया है, जिससे आहत होकर वे सभी लोगों ने खुलकर मैदान में आके विकास ठाकरे को अपना जाहिर समर्थन देते हुए उनकी ताकत बढ़ाया है, और रैलियों की बात करें तो हर गली में सुबह से लेकर रात तक के ये दोनों पार्टी के नेता घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन जहां नितिन गडकरी का जो काफिला है, जो कामकाज है, वो जिस रफ्तार से चल रहा है उससे भी
या ये कहे उसे थोड़ा ज्यादा ही विकास ठाकरे का भी जो करिश्मा है वो चल रहा है, क्योंकि लोग जुड़ चुके हैं और जहां लोग जुड़ते हैं तो संख्या भी बढ़ती है और लोगों के दिल में आज के तारीख में एक तरफ नितिन गडकरी है तो दूसरी तरफ विकास ठाकरे है। लेकिन ये जो चुनाव है ये काफी रोमांचक और बहुत कांटेदार होने वाली है। कोई ये नहीं, मेरी जी एक ऐसे भी कहा जा रहा है कि लोक नेता है और तीसरी बार भाजपा ने उनको उम्मीदवारी दी है, लेकिन लोगों का एक मानना, हमने भी एक विश्लेषण के तौर पे हमने भी लोगों से चर्चा की, अगर अपक्ष रहते तो नितिन गडकरी जी भारी बहुमतों से चुन के आते थे, ऐसी लोगों का कहना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी जी पे कई तो भी, यानी प्रधानमंत्री जो मोदी जी है उन पे कई तो भी देश की जनता नाराज है, इसीलिए ये जो है गडकरी को कई तो भी माइनस हो सकते हैं गडकरी, ऐसी कहा जा रहा है, आपका क्या मत है? बिल्कुल लोनारे साहब, ये इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि भली ये चुनाव लोकसभा का है, लोकसभा से प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो कामकाज की जो पॉलिसी है वो किसी को रास आ रही है तो किसी को कतई नहीं पट रही है। इसकी वजह यह है कि उनका ये कहना है कि हमेशा मोदी जी हिंदू का कार्ड खेलते हैं, जबकि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम पंथ के लोग हैं, कई बोली भाषा है, कई पहनावे है, कई खान पान की चीज़ें हैं, अलग विभिन्न तरह के लोग आज इस देश में रहते हैं, इसलिए तो भारत देश में संविधान है, संविधान के अनुकूल तो ये सब भारत देश चल रहा है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि यदि मोदी जी चुनाव जीत के आते हैं तो संविधान को पूरी तरह से वे बदल के रख देंगे। ये लोगों की, ये जनरल जो झुग्गी झोपड़ी वाला लोग है उनके मन में ये बातें चल रही है, जिसका खामियाजा चुनाव में भी दिखाई देगा, क्योंकि मोदी जी को जो लोग पसंद नहीं करते यकीन गडकरी जी को कैसे पसंद करेंगे। अगर गडकरी जी को पसंद करते भी है तो वो मोदी जी को पसंद नहीं करते, मोदी जी को कामकाज को लेके लोगों में खफा है। और ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से लोग नाराज है, कुछ लोग बहुत अच्छे क्योंकि 370 कलम हो, चाहे फिर पाकिस्तान को दो टुक बात कहना हो या चाइना को खड़े बोल सुनाना हो, ये जो बातें हैं ये मोदी जी खासतौर पर कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन अभी इस लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है, अभी हम सिर्फ नागपुर की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात नहीं कर रहे। नागपुर में हम देख रहे हैं कि बैनर पे सिर्फ मोदी जी दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग पोशाक में वो दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग स्लोगन लगे हुए हैं, तो क्या लगता है देश कई हुकुमशाही की ओर तो नहीं जा रहा? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। देखिए, किसी भी पार्टी का, अगर हम फिल्म देखते हैं उसमें कई किरदार होते हैं लेकिन मुख्य जो कलाकार जो होता है, लेकिन ये पहली बार देख रहे हैं ना हम, यानी मेरे कार्यकाल में मैंने इतना चुनाव देखा हो लेकिन ऐसी पहली बार देखा कि किसी उम्मीदवार का फोटो साथ में नहीं है, सिर्फ जो नेता है, जो कमांडर है उसका ही फोटो दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये 400 पार करने वाली बच्ची दिखाई दे रही है, क्योंकि फोटो तो सबके लगते हैं, खासतौर पर जो उम्मीदवार है उसका लगना लाजमी है, और साथ में देश का जो नेतृत्व करता है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर भारतीय जनता पार्टी का मुखिया है तो उनका फोटो लगना स्वाभाविक है। अगर कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस का उम्मीदवार है, अगर विकास ठाकरे का अगर उम्मीदवार है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का फोटो लगाना लाजमी है। मेरे साहब, मेरी बात आप नहीं समझ पाए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि आज नागपुर शहर में अगर आपके नजरिया से अगर वो गया नहीं होगा तो अलग बात है, लेकिन हमने जो देखा कि सिर्फ और सिर्फ जो फलक दिखाई दे रहे हैं, बैनर दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ उसमें सिर्फ मोदी जी दिखाई दे रहे हैं और उनका एक श्लोक दिखाई दे रहा है और अलग अलग पोशाक में वो बैनर लगाए हैं लेकिन उम्मीदवार का फोटो नहीं है, तो ये कहाँ तक के ठीक है? बिल्कुल, अगर ऐसा है तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ये नागपुर से है, अगर उनका चेहरा अगर बैनर पे नहीं दिखेगा तो ये अलग बात हो जाती है। इसका मतलब ये है कि मोदी चल रहे, मोदी जो लोग कर रहे हैं वैसा ही हो रहा है, 400 पार के आसपास रहे, लेकिन इसका खामियाजा चुनाव में उस उम्मीदवार को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उसका फोटो नहीं होने से लोग जो है वे उनमें संभ्रम अवस्था है। देश के लोक नेता अगर कहलाया जाए तो नितिन गडकरी जी है, प्रधानमंत्री के रेस में भी वो थे,
मानते इस बात को, फिर उनका फोटो अगर उनके शहर में वो लड़ रहे हैं नागपुर शहर से, तो उनका फोटो होना बहुत जरूरी था। लोग अगर मतदान भी करेंगे तो नितिन गडकरी जी को वैयक्तिक, उनके चेहरे को, उनके विकास को देखकर करेंगे, ना कि मोदी जी को देख के करेंगे। बात सही है? ये बात तो सही है कि, लेकिन कैसा है कि आखिर में तालाब का पानी भी है वो समंदर को ही जाके मिलता है। अरे लोगों को समंदर ही नहीं होना तो तालाब के पानी से क्या लेना देना। कहने का मतलब कि अगर मोदी नहीं चाहिए इस देश में लोगों को, तो फिर गडकरी को क्यों चुन के देंगे? ये भी एक सवाल है, क्योंकि गडकरी साहब को चुन के देना इसका साफ मतलब है कि तुमने मोदी को चुन के देने जैसा है। और लोग मोदी के खिलाफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले लोग एक और गडकरी साहब को पसंद कर रहे, मगर एकमात्र गडकरी साहब को पसंद करने से काम काज नहीं होता। ऐसे भी पहले में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में एक ही व्यक्ति अच्छे, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वाजपेयी जी अच्छे, बाकी सब गलत है। ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि कैसे एक परिवार में सब तरफ के लोग, सब दिमाग के लोग रहते हैं, सबको लेके साथ चलना पड़ता है। और आज ये कामकाज कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता, और ऐसा रहता तो फिर गडकरी साहब को भी संसदीय बोर्ड से जो था उसमें से उनको भी वहां से कम किया गया, उनके कुछ खाते थे वो भी उनसे निकाला गया है। हाँ, लेकिन एक बात अच्छी, देखिए काम करने वाले के लिए हमेशा उजाला होता है, जो काम नहीं करता उसके लिए अंधेरा होता है। भले गडकरी साहब को आज के तारीख में ये सड़क निर्माण का काम जो दिया गया है, जो पुलिया बनाने का काम दिया गया है, इसका फायदा बीजेपी को इस प्रकार का हो रहा है, क्योंकि जहां जहां सड़कें जा रही, जहां जहां ब्रिज जा रहा, ये लोगों के लिए, लोग तो सड़क पे आ ही रहे, मिल रहे हैं। इसका इससे साफ है कि गडकरी साहब ने लोगों के दिल में अपनी जगह बना लिया है। अब लेकिन ये तो जनता है, ये जनता माए बाप, जनता जनार्दन है कि ये तो सब जनता है, अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, ऐसा कहते हैं ना, ये जनता है और जनता से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आज के तारीख में ये जो राष्ट्रीय पार्टियां, कोई भी पार्टियां, ये इस देश के जो 140 करोड़ जो जनता है, इनके सेवक है, मालिक नहीं है। मगर अफसोस क्या आए दिन में ये जो जनता के जो सेवक है खुद को मालिक समझ के बैठे हैं, और जो सेवक है, जो सही मालिक है, वो तो पूरे मतलब नौकरी बन चुके हैं। ये नहीं होना चाहिए। और इस बात का लोगों ने पूरा ठान लिया है। जब भी चुनाव आते हैं फिर लोग उनको भी जगह दिखाते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि समय का भी अभाव है अपने पास, मेरे जी ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो क्या बदलाव चाहिए? लोकतंत्र संविधान को बचाना चाहिए, पहली तो बात मैं ये बोलूंगा कि संविधान को कोई भी किसी प्रकार का खतरा नहीं है, सबसे पहली बात, क्योंकि संविधान को पलट के रख देना ये किसी में दम नहीं है, ना 10 का दम है, ना 1000 का दम है, ना लाखों का दम है। संविधान को कोई भी पलट नहीं सकता, क्योंकि संविधान इस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है, संविधान से पूरे कामकाज चल रहे हैं। अगर आज आप मेरा इंटरव्यू भी ले रहे हो, ये भी मुझे फंडामेंटल जो मेरा राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, ये भी मुझे संविधान ने दिया है, आपको भी संविधान ने राइट्स दिया है, और ये जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इंटरव्यू, इन्हें भी संविधान ने ही अधिकार दिया है। संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। संविधान को बदलने का मतलब होगा कि आसमान से पूरे तारों को खत्म करना और चांद सूरज को भी बंद करने जैसा होगा। ये क्या ये संभव है? मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, संभव तो नहीं, लेकिन लोकतंत्र के बारे में क्या? बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, संविधान कभी भी खत्म नहीं हो सकता। हाँ, अगर उनके कुछ जो क्या बोलते हैं उसको, जो कुछ नियम हो गए उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, कुछ नया बदलाव कुछ कर सकते हैं, परिस्थिति के अनुरूप वे संसद में पारित करके उसको नया पास कर सकते, लेकिन उसको नकारा नहीं जा सकता या उसको पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। अगर ऐसा होगा तो ये देश संविधानात्मक देश न होते हुए ये हिटलर शाही देश होगा, और ये भारत देश, ये लोकतंत्र का देश है, किसी
हिटलर शाही का देश नहीं है, और जिसने जिसने भी हिटलर शाही पना किया है उसको दिन में तारे दिखाने का काम भी इसी 140 करोड़ की जनता ने किया है। संविधान पर ही है, संविधान अपने आप में एक है, संविधान का सबने पालन करना चाहिए, चाहे फिर आईपीएस अधिकारी हो या बड़े जो रैंक के जो अधिकारी है या नेता है या जनरल झुग्गी झोपड़ी से लेके महलों तक जो रहने वाले लोग हैं, सबने संविधान का पालन करना चाहिए, क्योंकि संविधान ही हमें अपने देश को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा पावर, एक संजीवनी बूटी मिली है, जिसके चलते पूरा विश्व आज भारत को जो नमन कर रहा है वो किसी तुम्हारे विकास के काम से नहीं, वो संविधान के काम से कर रहा है। आज ये जो कामकाज हो रहे संविधान के बदौलत ही हो रहे ना, तो इसलिए संविधान ग्रेट है, संविधान को कोई बदल नहीं सकता, और जिसने इस प्रकार की बदलने की कोशिश की उसको ऑन द मूव भी गिरना पड़ेगा, ये भी लोनारे साहब सच्चाई है। निश्चित ही बहुत अच्छी बात संजय मीरे जी ने कही है, और संजय मीरे जी के बारे में मैंने आपको पहले ही परिचय दिया कि एक राजकीय विश्लेषक तो है ही है, लेकिन एक बहुत अच्छे एक संपादक भी है। मैं बताना चाहूँगा, उन्होंने एक कहा है कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता और ज़्यादा दिन हिटलर शाही भी नहीं चल सकती। अभी लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में जो मैं खास करके नागपुर की बात कहूँगा, नागपुर में कांटे की टक्कर है, ऐसा कहना भी मीरे जी का है, लेकिन 4 जून को पत्ते खुलेंगे, कौन रहेगा नागपुर का खासदार। तब तक हमारे साथ में आप बने रहिए और देखते रहिए आईबीएम टीवी 9 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।